एवरीवन, आज हम एकदम नई तरीका से नाश्ते की रेसिपी ले गए जो ना कभी बनाई होगी ना देखी होगी। एकदम यूनिक रेसिपी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। आप सुबह शाम कोई भी टाइम बना सकते हो, बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब चलिए देर की इस बात की, इस टेस्टी और नई रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉयल मटर ले लिया है, मटर को हमें बॉयल करके लेना है। अब मेशर की मदद से हम मटर को मैश करेंगे। मटर को मैश करके ले लिया है, बॉयल आलू ले लिया है, आलू को हम ग्रेट करके डालेंगे। आलू को भी मैश करके डाल सकते हो। आलू को भी ग्रेट करके ले लिया है, एक बारीक कटी हुई प्याज, एक हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके लिया वो भी डालेंगे, और बारीक कटी हुई हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला, इससे नाश्ता चटपटी बनेंगे, आधे चम्मच धनिया पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, हाथों को साफ कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों में, थोड़ा सा पोषण ले लेंगे, इस तरह से मुट्ठी में कर लेंगे, फिर इस तरह से गोला करेंगे, फिर हल्के हाथों से दबा लेंगे, जिस तरह से हम टिक्की बनाते हैं उसी तरह से बना लेंगे। अगर आपकी आलू नरम लगे तो थोड़ा सा चावल का आटा मिला सकते हो। देखिए इसी तरह से हम सभी टिक्की को बना लेंगे। सभी टिक्की को बना लिया है, अब इसको साइड में रख लेंगे। दूसरा बाउल ले लिया है, दो चम्मच मैदा ले लेंगे, दो चम्मच गेहूं का आटा ले लेंगे। आप गेहूं के आटे या मैदे से भी बना सकते हो, मैं दोनों से बना रही हूँ तो हेल्दी बनेंगे। थोड़ी सी नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, हरा धनिया, एक चम्मच सफ़ेद तिल, आधी चम्मच कलौंजी। इससे देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर रेडी करेंगे, इसी तरह से मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना रहे। एकदम यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मिक्स कर लिया है, देखिए इसी तरह से चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके लेना है। एक पीस टिक्की ले लेंगे, बेटर के अंदर डालेंगे, फिर इस तरह से डीप करेंगे, फिर ऑयल में छोड़ेंगे। सेम यही प्रोसेस है, डाल दिया है, इस तरह से हिला देंगे, एक साइड सिकने देंगे गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके। एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे। देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है, एकदम नई रेसिपी है। आप सर्दी गर्मी कोई भी टाइम बना सकते हो, बहुत ही आसान है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। इस नाश्ता को खाने के बाद बाजार की समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे, अचानक मेहमान आने पर भी बना सकते हो, वो आपकी तारीफ करेंगे। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी कितनी बढ़िया आ गई है। अब हम निकाल लेंगे, पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, कितनी बढ़िया बनी है, और देखिए कितनी क्रिस्पी बना है। तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर की स्टफिंग देखिए, इस तरह से हरी चटनी सॉस खाली भी खा सकते हो, सब मांग मांग कर खाएंगे, गजब की नाश्ता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपके नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।